नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर झारखंड राज्य के गोड्डा जिले से है। झारखंड राज्य का गोड्डा बना साइबर क्राइम का अड्डा। गोड्डा जिला पूर्वी भारत में झारखंड राज्य के 24 जिलों में से एक है। यह राज्य पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि गोड्डा साइबर क्राइम का अड्डा बन चुका है। उन्होंने गोड्डा के अलावा देवघर, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा का भी नाम लिया। उनका कहना था कि साइबर क्राइम पूरे देश के लिए चिंता की बात है। उन्होंने झारखंड में साइबर क्राइम वाले प्रभावित क्षेत्र में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय की भी मांग की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड साइबर क्राइम के मामले में देश भर में दूसरे नंबर पर है, जबकि महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। अपराधी केवल झारखंड ही नहीं, दूसरे राज्यों के लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। आम हो या खास, ये अपराधी सबको आसानी से चूना लगा रहे हैं। आइए जानते हैं झारखंड में साइबर ठगी के हाई प्रोफाइल मामले। अपराधियों ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर को अपना निशाना बनाया। परनीत कौर के खाते से 23 लाख रुपये उड़ा लिए। अपराधियों ने सिनेमा अभिनेता अमिताभ बच्चन के अकाउंट से 5 लाख रुपये उड़ाए। एक केंद्रीय मंत्री से भी 1.8 लाख की 80 लाख की ठगी की। अपराधियों ने केरल से सांसद के घर से 1.60 लाख की ठगी। झारखंड के विद्यासागर स्टेशन से महज 0.3 किलोमीटर और जामताड़ा मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर 151 गांवों में इलाका करमाटांड देश भर में चर्चित है, क्योंकि यहां के साइबर अपराधी देश के राजा हो या रंक सभी का पैसा उड़ा रहे हैं। लगातार देश में हो रहे साइबर गतिविधियों को लेकर के प्राइम न्यूज 24 पहले भी कई खबरें दिखा चुका है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हाल ही की आई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के सबसे बड़े परमाणु इकाई कुडनकुलम में भी यह हमला हो चुका है और इसरो पर भी यह खतरा मंडरा रहा है। प्राइम न्यूज 24 से ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।